भाई हमारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम खाली है, आपको काम करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, आपके पास फिल्म यूनियन कार्ड है क्या? क्या नहीं है? कोई बात नहीं, हम आपका ये कार्ड बनवा देंगे, बस हमें पैसा दे दो। क्या पैसा भी ज़्यादा है? अरे भाई, हमसे कार्ड बनवाओगे तो हम आपको काम भी देंगे, मतलब कार्ड भी हम आपको बना के देंगे और काम भी फिल्म इंडस्ट्री में आपको लगवा देंगे। इस तरह का डायलॉग्स आपने किसी न किसी ऑफिस में या जहाँ पे आप काम मांगने गए होंगे वहाँ ज़रूर सुना होगा, और इसी लालच में आप लोगों ने वहाँ पर जो है काम के लालच में वहाँ पे कार्ड भी बनवा लिया होगा और उसके बाद आप जो है इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है कि आप हमसे कार्ड बनाइए और हम आपको काम देंगे। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये कार्ड बना ले और हमें काम ही ना दे तो क्यों इसका कार्ड बनाए, क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा है कि काम ही ऐसे करते हैं, मतलब कि बिना कार्ड के काम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो अभी हाल ही में हुई है, पिछले 3-4 दिन पहले। इस घटना से आपको सबक मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है, और वो भी अच्छे यूनियन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको इस लालच में देते हैं कि हमसे कार्ड बनाइए और आपको काम देंगे, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमारे फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, उनका कार्ड बनाने से फ़ायदा पहुँचता है, और वो क्या फ़ायदा होता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। करीब 100 से भी ज़्यादा मज़दूरों ने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का काम जो है वो करते करते रोक दिया। अब रोकने की वजह क्या थी, इसमें कौन से कलाकार थे जिन्होंने मजदूरों का ख्याल नहीं रखा, ये कौन सी फिल्म थी और इन मजदूरों की सहायता करने के लिए कौन आगे आया, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाओं को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे भी ये घट सकती है। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा फिल्म यूनियन कार्ड के बारे में आप लोगों को बताते रहता हूँ, कौन सा असली है, नकली है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और इसी कड़ी में ये जो अभी जो घटना हुई है इससे आपको पता चल जाएगा कि फिल्म यूनियन कार्ड और संगठन में रहना कितना ज़रूरी होता है, उसकी क्या ताकत होती है। आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये आरोप लगते रहता है कि मजदूरों का पैसा जो है वो समय पर नहीं मिलता है, और ये खबरें कभी भी बाहर नहीं आती हैं। जो पत्रिका होती है या जो मीडिया होती है वो इस खबरों को बाहर नहीं निकालती, क्योंकि वो तो केवल जो है हीरो हीरोइन की जो है अच्छी वाली खबरें उनको साफ सुथरा बताने में लगी रहती है, लेकिन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। अभी हाल ही में जो है गोरेगांव फिल्म सिटी में एक फिल्म का सेट लग रहा था, फिल्म का नाम है धारावी बैंक। ये फिल्म जो है OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, इसके कलाकार जो है वो सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय हैं। इस फिल्म का जो है सेट का निर्माण जो है वो चल रहा था, वहाँ पर एक सेट लग रहा था जिसमें करीबन 150 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन ये प्रोड्यूसर जो है ये केवल अपने हीरो और हीरोइन को ही ध्यान देते हैं, मजदूरों को ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा का पैसा बकाया रख दिया था, वो कहते थे कि हम कल देंगे कल देंगे कल देंगे, और कल करते करते जो है 1.25 महीने से ज़्यादा हो गया था। ये अमाउंट करीबन 50 लाख रुपए हो गए थे। सोचो दोस्तों कि सारे जो वर्कर थे उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया गया था, ना इसकी खबर वो सुनील शेट्टी लिए थे और ना ही वो विवेक ओबराय, वो अपना पैसा लेके बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे वर्करों का ध्यान कोई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले बताया कि हमें यूनियन का साथ देना चाहिए, हम यूनियन का कार्ड ही तो इसीलिए बनाते हैं, और इसीलिए जो सारे जो वर्कर हैं उन्होंने अपना जो है इस बात की शिकायत जो है अपने यूनियन से की। मैंने इस यूनियन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया भी है आप लोगों को, FWICE के बारे में, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉय के बारे में बताया। जैसे ही फेडरेशन को पता चला कि यहाँ वर्करों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, सीधा फेडरेशन के लोग वहाँ पहुँचते हैं और मजदूरों को ये कहते हैं कि अभी इनका काम बिल्कुल बंद कर दो,
और मजदूरों ने वैसे ही किया, फिल्म शूटिंग का जो सेट का काम है वो पूरा बंद कर दिया और कहा कि जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम आपका काम नहीं करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि भाई अगर आप नहीं करो तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन यहाँ मजदूरों की ताकत थी कि ना वो कर रहे और ना किसी को करने दिए काम, समझ गए। फिल्म शूटिंग का काम जैसे ही रुका तब प्रोड्यूसर को यकल आ गई कि नहीं यार, ये मजदूर जो है अब जो है ये संगठन में है, ये एक एक मजदूर नहीं है, ये पूरे संगठन में है, अकेले नहीं है, ये गुच्छे में है। और उस प्रोडक्शन को समझ में आ गया इनकी ताकत क्या है और फिर जो है उनका जो बकाया पैसा है वो देने की बात की गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दोस्तों कि आप लोग सोचते होंगे कि हम ये मजदूर यूनियन का कार्ड क्यों बनाएं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, बस आप लोग सोचते हैं कि हमें कार्ड बनाने से काम मिल जाएगा तभी हम कार्ड बनाएंगे, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत सोचिए। देखिए जिस घटना से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से क्या होता है इंडस्ट्री में, अगर आपने कार्ड नहीं बनाया तो आपको क्या होगा, कभी भी ये जो प्रोडक्शन वाले हैं ना, ये बिल्कुल ये अधिकांश से ज़्यादा आप जितना भी देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हीरो और हीरोइनों का ही ध्यान रखते हैं, वर्करों के बारे में कुछ नहीं सोचते। इनका 40 दिन 50 एक एक महीने के बाद पेमेंट देते हैं, लेकिन अगर आप यूनियन के साथ जुड़े रहोगे तो यूनियन आपका जो है पैसा निकालने में मदद करती है। इस घटना से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा देर की घटना नहीं है, अभी हाल ही की घटना है। तो इसीलिए आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई कार्ड बनाने की सोचे तो अच्छे यूनियन के बारे में सोचे, उनका कार्ड बनाइए ताकि आपके साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना हो या प्रोडक्शन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रताड़ना दी जाए तो आपका यूनियन उनसे लड़ सके, आपके अधिकारों के लिए लड़ सके और आपको न्याय दिला सके। तो ऐसी जो खबरें होती हैं वो ज़्यादातर मार्केट में नहीं फैलती हैं क्योंकि इससे फिल्म प्रोडक्शन हाउस का जो है नाम ख़राब होता है, आर्टिस्ट का नाम ख़राब होता है, उनकी बदनामी होती है, वो लोग फिर दर्शक भी सोचते हैं कि इस फिल्म में बनाने में कितना मजदूरों का जो है इसके अंदर खून पसीना लगा है, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है उसने पैसे नहीं दिए, तो इसके लिए जो है ये खबरों को छुपाया जाता है। लेकिन अब छुपेगी नहीं दोस्तों, अब यूनियन फेडरेशन और जो लोग हैं वो अब निडर होके अपना काम कर रहे हैं और जो है फेडरेशन है वो भी निडर होके अपना काम कर रही है। अगर जो भी प्रोडक्शन हाउस है जो भी फिल्में बनाएगी अगर उनके पास पैसा नहीं है तो क्यों मजदूरों से काम कराती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको इस कार्ड के और इस यूनियन का जो है महत्व समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा चैनल, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ी जानकारी वाली वीडियोस बनाते रहता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन लगातार आपको आती रहेगी जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।